किचन में बनने वाला है डिलीशियस टोमेटो सॉस और स्वाद में तो इतना ज़्यादा लाजवाब है कि इसे आप मेरे तरीके से घर पे बनाएंगे तो मार्केट से कभी नहीं लाएंगे टोमेटो सॉस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। आप मेरे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम इस डिलीशियस टोमेटो सॉस को बनाना शुरू करते हैं। अभी वैसे भी ठंड का सीज़न है तो टमाटर बहुत ही सस्ते होते हैं, तो हम क्यों ना इसे घर पर बनाएं। तो हमने टमाटर ले लिया है और अदरक का छोटा टुकड़ा ले लिया है और 6 से 7 लहसुन, तो इनको भी कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और हम टमाटर को बढ़िया से अच्छे से धुल लिया है, धुल के लिए हैं। और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है टमाटर का, उसको हमें कट कर लेना है। जो ऊपर का ये रहता है ना, ये हार्ड रहता है तो ये अच्छे से बॉयल नहीं हो पाता। तो सारे टमाटर के हमने ये जो टमाटर का ऊपर वाला पोर्शन है सबको हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और घर के ही इंग्रेडिएंट से। तो हमने टमाटर और अदरक लहसुन कट कर लिया है। अब इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये अदरक लहसुन इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। यदि आप जैसे लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हैं, विदाउट लहसुन के भी अच्छा बनेगा। और इसमें हम आधा कप करीब पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये बॉइल होने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। 3 से 4 सीटी खाते तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में आगे बने रहें, इसमें मैं सारी ट्रिक शेयर करूंगी कि कैसे आपका टमाटो सॉस बनेगा अच्छा। जब हमारा कुकर ठंडा हो गया है, उसके बाद जो टमाटर है अच्छे से उबल गए हैं, तो इसको हम मिक्सर में इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से इसको पेस्ट तैयार कर लिया है। और हमने जिस कढ़ाई में इसको पकाना है, उस कढ़ाई में इसको छानेंगे। आपके पास जो भी चाय छानने वाली छन्नी है वो ले सकते हैं। ये मैंने आटा छानने वाली छन्नी को लिया है, इससे बहुत ही आसानी से भी छन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, टाइम टेकिंग नहीं रहता। तो इसमें हमने सारा जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था, इसको हम इसमें छान लेते हैं। ऐसा करने से ये जो टमाटर के जो छिलके रहते हैं और जो भी बीज वगैरह, ये पूरा निकल जाएगा ऊपर, और हमारा जो स्मूथ पेस्ट है टमाटर का वो पूरा नीचे कढ़ाई में ले लेंगे। जितना भी पूरा पेस्ट, उसको हम अच्छे से छान लेते हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई को हम गरम करने के लिए रख दिया है, इसको हमें गरम करना है और हम बिल्कुल आसानी से इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक डालने से ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच स्वादानुसार इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है, नॉर्मल नमक। 2 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 टीस्पून गरम मसाला मिला दिया है। गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट अच्छा इन्हेंस होगा। और इसमें अच्छा कलर देने के लिए आपके पास यदि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो, वो ज़्यादा तीखा नहीं रहता, तो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा जो कलर है टमाटो केचप का अच्छा आएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। और अक्सर हमारे यहाँ तो विनेगर रखा ही रहता है, नूडल्स वगैरह हम बनाते हैं चाइनीज़ फूड, उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून करीब विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर डालने से इसका टेस्ट अच्छा इन्हेंस होगा। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको पकाते रहना है, बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जब वो उबलते उबलते इसका जो कलर भी है वो भी डार्क आते जाएगा। यदि आपको इसको में लग रहा है कि शक्कर या नमक कम है, तो आप टेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे बाद में इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, टेस्ट करके देख लिया था तो थोड़ा सा चीनी कम लग रहा था। आप देख सकते हैं कि ये उबलते उबलते ये गाढ़ा भी हो गया है, तो इसको हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हम एक प्लेट में इसको बैटर को देखते हैं। यदि ऐसे ये छोड़ रहा है, नीचे आ रहा है, ये पानी से छोड़ रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। देखिए, ये बैटर गाढ़ा हो गया है। इस तरीके का होना चाहिए कि देखिए स्पून से भी नहीं नीचे गिर रहा है। इसको फिर से चेक करते हैं। तो प्लेट में हमने थोड़ा सा टमाटो केचप और लिया, ये ऐसे तिरछा करने पर भी नहीं आ रहा है, फ्लो में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा टोमेटो केचप बन गया है। तो देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है ना, और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से। तो कितना अच्छा इसका डार्क कलर आ गया है। गैस हमने ऑफ कर दिया है, और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए, चाहे तो आप इसको 3 से 4 महीने तक भी खा सकते हैं। तो जब हम टमाटर से ही घर पर बना सकते हैं, तो हम मार्केट से क्यों लाकर खाएं। और हमारा डिलीशियस
टोमेटो केचप बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।